नाग पंचमी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले कुश्ती और तैराकी प्रतियोगिता के स्वरूप को बदलते हुए इस वर्ष खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन सभागार में मंडल के विभिन्न खेल विधाओं के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अमरनाथ यादव, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज गजेंद्र राय, राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी शगुन कुमारी, राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी मुस्कान पासवान, जिम्नास्टिक के विवेक यादव, वेटलिफ्टिंग के विकास चौहान, राज्य स्तर के तैराक सौरभ शुक्ला, राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी क्षमा गुप्ता तथा हैंडबॉल में मुक्ता तिवारी मुख्य रूप से शामिल रही। सम्मान समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से टोक्यो में अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों के दल ने प्रतिभाग किया है। कोरोना काल के विपरीत परिस्थितियों में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया खेलों के तहत खेलों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया और प्रदेश सरकार भी लगातार खिलाड़ियों की पूरी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही लखनऊ में खिलाड़ियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ तथा महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में खेलों के कोच को भी सम्मानित किया जाएगा और राज्य के सभी 75 जिलों से 75-75 खिलाड़ी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से खड़ी है, जहाँ भी जिस संसाधन की आवश्यकता होगी प्रदेश सरकार उसे मुहैया कराएगी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, शीतल पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं खेल से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों ने कहा, हम सभी इसके लिए बहुत आभारी हैं। हम आपका, हम सभी लोग आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका बंधन करते हैं, आपका तो बॉडी हम तीनों सिस्टम में इसे पश्चात
उत्तर प्रदेश मछली नेशनल टूर्नामेंट में विलास प्रतियोगिता में कुछ ऐसा हुआ था। इसके बाद लंदन
का सम्मान हो इस दृष्टि से आज के कार्यक्रम में
पहले बधाई देता हूँ और जितने भी हमारे यहाँ पर खेल प्रतिभागी मान हैं जिन्होंने अपने अपने विधान में विशिष्ट स्थान बनाया है, बराबर उस पर कार्य कर रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनकी प्रतिनिधि शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब देश अपनी आजादी का उत्सव मना रहा और बहुत ही 15 अगस्त को आएगा और बराबर जब हम 75वें स्वाधीनता दिवस की वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए देने के लिए कुछ होना चाहिए। आखिर जीवन के प्रेम क्षेत्र में हमने क्या पाया है, क्या खोया है यह जानने, जहां पर गलतियां हुई हैं उनका परिमार्जन करने और आगे के सकारात्मक माहौल में दुनिया के सामने ऐसे मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें या कुछ नया करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। आज का 75 खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, सचिन प्रेमाया जी और अंजना सरस्वती एक खिलाड़ी के बारे में बोले तो उसी के नाम से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको अनेक खिलाड़ी की प्रतिभा और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी और उसके सम्मान पर पाऊंगी। यानी एक एक नगीने गोरखपुर के अंदर भरे पड़े हैं। किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का मौका बनाया है, किसी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वर्ण पदक के बाद, किसी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया रजत पदक के बाद, किसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया कांस्य पदक के बाद, लेकिन इन प्रतिभाओं को प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद सम्मान करना चाहिए था। न मिलने के कारण वह अपने आप को कुंठित महसूस करता है, फिर आने वाली पीढ़ी को विभागियों जाने के लिए न जाने के लिए लगातार अगर कोई जाना भी जाता तो बहुत प्रोत्साहित करता। आगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में व्यक्ति का नहीं पूरे देश का पूरे समाज का मान का उसका सम्मान होता है और वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयत्न करने का प्रयास करता है और उन स्थितियों में हम सब की भावनाएं अपने खिलाड़ियों के प्रति होना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत हमें स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, नगर स्तर पर, जनपद स्तर पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और इसी शुरुआत के क्रम में गोरखनाथ मंदिर में दशकों से नागपंचमी के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन होता था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण विगत वर्ष के और इस वर्ष भी यह स्थगित करना पड़ा और इसे मैंने यहाँ पर आयोजकों से कहा, मैंने कहा अच्छा होगा कि भले ही हम बड़ी प्रतियोगिता ना कर पाते हो लेकिन अच्छा होगा कि इस अवसर पर एक आयोजन अपनी विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर के खिलाड़ियों का एक सूक्ष्म सम्मान का कार्यक्रम होगा तो खेल के प्रति एक रुचि उसके मन में जागरूक होगी। दूसरा हमें जानने का अवसर मिलेगा कि किस किस विधा के खिलाड़ी गोरखपुर में मौजूद हैं, मुझे सबको नहीं जानकारी थी कि निशानी बाजी के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो सकते हैं। तैराकी के या अन्य नॉन टेनिस के इतने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं। वहां पर स्कूल से जुड़े हुए तमाम छात्रों का प्रवेश होता था चंपा भूषण में भी माणावता इंटर कॉलेज में। लेकिन आसमान छोटी भी ऊंचाई के साथ बास्केटबॉल के खिलाड़ी इतने अच्छे हमारे पास मौजूद हो ये मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। उसमें कुछ भाइयों बहनों हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है, यहाँ पर भी एक बालिका ने मुझे एप्लीकेशन दिया है और वह बहुत अच्छी मांग उन्होंने रखी कि मेरे सामने
कबड्डी के हैं, मीना यादव कबड्डी के हैं, रविंद्र यादव कबड्डी के हैं, पुष्पेंद्र कबीर सैनी, सचिन चौधरी, इन्होंने खेल प्रशिक्षण बाहर करने के लिए हम लोगों ने इसकी अनुमति दे दी है। खेल प्रशिक्षण राज्य सरकार ने आने के बाद 2017 के बाद उन्होंने कुछ निर्णय लिया। अगर हमारा कोई खिलाड़ी राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है, ओलंपिक में वह स्वर्ण पदक जीता है, तो राज्य सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपया देंगे। तो भी उसको 3 करोड़ रुपया देंगे। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी हमें धनराशि देंगे, टीम को भी और व्यक्तिगत खिलाड़ी को। ऐसे ही एशिया और पवन रत्न में भी पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी अलग अलग धनराशि उन्होंने घोषित की है। इस बार टोक्यो ओलंपिक कोरोना महामारी के बीच में संपन्न हुआ है और आप सब जानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चुनौती से ही रास्ता निकालना है। आपदा के बीच में ही अवसर निकाल करके अपनी सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का एक परिचय ये कोई खिलाड़ी ही दे सकता है। और खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर टोक्यो के उस मंच पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसे भारतीय पूरी टीम की पूरी टीम को सम्मान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 मार्च को टिकाना स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बने हुए स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अपने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। स्वर्ण पदक विजेता भारत के लिए स्वर्ण पदक जिस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है उस खिलाड़ी को राज्य सरकार की तरफ से हम 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। रजत पदक विजेता वो खिलाड़ी है, उन्हें हम राज्य की ओर से 1-1 करोड़ रुपए की राशि और 1.5 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हमारी जो खिलाड़ी है साथ साथ हॉकी की टीम हॉकी की टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ की राशि बिना हॉकी की टीम बेहतर करा सकती। पहली बार भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में और वहां पर उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया और उसे महिला हॉकी टीम को भी हम लोगों ने प्रत्येक खिलाड़ी को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। जिन्होंने देश की तरफ से खेला था उनको भी हम लोग के अवसर पर सम्मानित करने जा रहे हैं और प्रदेश के अपने सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया उनका भी हम मन से वहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हर जनपद से 75 खिलाड़ियों को हम भवनों में आमंत्रित करेंगे। एक प्रकार से खिलाड़ियों का एक पूर्व सम्मान दिया और सम्मान देने के साथ साथ आने वाले समय में उनकी
खिलाड़ी जिस तरीके से विश्वास के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे और उसके 19 अगस्त का जो कार्यक्रम लखनऊ में होगा या अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होगा, विशिष्ट कार्यक्रम होगा। हमें अपने खेल जो खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र में जो लोग अपना पूर्वज पूरा जीवन लगाए हैं उनके अनुभव का लाभ देना और फिर उनसे इस बात की जानकारी देनी चाहिए वास्तव में किस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की एकेडमी स्थापित करते हुए राज्य सरकार खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच दे सकती है। अभी तो व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति अपने स्वयं के सोच से अपने स्वयं के प्रयास से कई भावों के पास क्षमता है उसे आगे बढ़ाने का मंच देता है अन्यथा वह व्यक्ति करता रह जाता सीमा की बात वहीं पर दूर हो जाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने बेहतर प्रयास कर रही है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद देश के अंदर खेलो इंडिया के खेलों के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं प्रधानमंत्री जी के प्रयास का परिणाम है कि अब तक ओलंपिक में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल वैश्विक खेलों के महाकुंभ में प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करने के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रभाव वहां बनाने में सफल रहा और इसलिए एक अवसर हम सब के लिए होगा। आज का इस अवसर हम लोगों के लिए अपने खिलाड़ियों को सम्मान देने का है। आज पंचमी के अवसर पर कोरोना महामारी के कारण हम लोग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाए लेकिन कुश्ती के साथ साथ अन्य अनेक गांवों से जुड़े हुए खिलाड़ियों को एक साथ इस मंच पर लाकर के उन्हें बहुत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि आपके द्वारा खेल जगत जो कुछ किया जा रहा है बहुत स्वागत योग्य है अभिनंदनीय है। आप अपना प्रयास जारी रखिए राज्य सरकार आपके साथ में आपके पूरे प्रयास को भरपूर समर्थन करती है सहयोग करती है और इस बात के लिए करती है तो जहां भी केंद्र और राज्य सरकार हरेक खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करती रहेगी। मेरा समाज से भी मेरी अपील होगी कि समाज का हर व्यक्ति भी उन खिलाड़ियों के साथ भावनात्मक रूप के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े उन्हें प्रोत्साहित करें उन्हें मंच देने में अपना योगदान दें उन्हें हर प्रकार से कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके इस प्रकार से एक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है और मुझे बड़ा विश्वास है कि उद्योग जगत जनप्रतिनिधिगण समाज के प्रबुद्धजन और समाज के विभिन्न तबके के नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों का यहाँ पर सम्मान हुआ है मैं उन सब कार्यक्रम फिर से हृदय से बधाई देता हूँ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
वनराज श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लग रहा है और महाराज जी का हृदय से धन्यवाद। और हर एक खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व का टाइम होता है जब उसके एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमने लगातार 5 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए, तथा मैं श्रीलंका, भूटान और नेपाल और दुबई में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके भारत के लिए पदक भी ले आया हूँ। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या करना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक लगन और एक डेडिकेशन से अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए आप लगे रहें और निश्चित तौर पे जो है सफलता मिलेगी। ज्योति चौहान, बहुत अच्छा। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पे थी। किस खेल के लिए? हैंडबॉल। जो नए खिलाड़ी अभी तैयारी कर रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? वो भी अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से खेले, आगे बढ़े। युक्ता तिवारी। मुख्यमंत्री जी ने आप लोग को सम्मानित किया, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को मतलब सम्मानित किया है। हम लोग ने मतलब जो हम लोगों ने इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे जो प्रदर्शित किया है उसके लिए उन्होंने सम्मानित किया है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। हैंडबॉल हम लोग खेलते हैं और नेशनल लेवल पे हम लोगों ने 3rd मेडल यूपी को प्रेजेंट किया था। कानपुर में हम लोग का ये टूर्नामेंट हुआ था तो हम लोग का मेडल पड़ा था 3rd प्लेस उसी पे। जो अभी तैयारी करने जा रहे हैं, हम यही कहेंगे कि वो लोग और अच्छे से करें और मतलब देश का नाम और आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो सर सम्मान देके गए हैं तो उससे और प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा करें। और जैसे इतने सारे बच्चे आए गोरखपुर में, सर पर्सनली आके देखे कि छोटे बच्चे या बड़े जितने भी हैं और मतलब उनने कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत अच्छे से सबको सम्मान दिया, तो ये काफ़ी अच्छा है। बच्चे इससे और आगे जाने की कोशिश करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के, क्योंकि हॉकी को लोग जानते नहीं थे, लेकिन जो इस बार प्रदर्शन रहा है टोक्यो में गर्ल्स का, उसकी वजह से काफ़ी लोग उस बारे में जान रहे हैं, हॉकी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मतलब लास्ट टाइम जब 36 ईयर्स के बाद क्वालिफाई किए थे, उसके बाद अभी इस बार हम लोग मतलब जो टीम गई वो सेमीफाइनल पहुंची, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम शायद मेडल आए। वो बहुत सी वजह होती है, अप डाउन चलता रहता है प्लेयरों का, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं ओलंपिक में जाऊँ और अपने देश को मेडल दिलाऊँ। मैं यही बोलूँगी कि सब हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और आगे जाएं देश के लिए मेडल लेके। जितना टैलेंट उत्तर प्रदेश में है शायद ही किसी और प्रदेश में हो। अगर जैसे सर अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सर ने बोला है कि वो बात करेंगे और अकेडमीज खोलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा है। सर बोल के गए हैं कि अकेडमीज खोलेंगे, हमें बहुत ज़रूरत है कि पर्सनली हमें अच्छे कोचेज, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं यहाँ पे, और थोड़ा और सपोर्ट मिले तो शायद उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मेडल्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना टैलेंट है उतना शायद ही किसी अदर स्टेट में हो। अच्छा है, उसमें प्लेयर्स आएंगे और सर ने बोला उसमें कि वो कोचेस से बात करेंगे, उसमें मेन बात यही है कि सर ने बोला कि अकेडमीज खोलेंगे, हॉस्टल्स खोलेंगे, तो अच्छा है कि वो वहाँ पे ये सब बातें हों और सपोर्ट मिले, प्लेयर्स को सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल, लीक्स होने चाहिए, जैसे बॉयज़ के लीक्स होते हैं, क्रिकेट में लीक्स होते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हॉकी की भी लीक्स हो, तो उससे क्या होता है कि प्लेयर्स जो हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाते हैं उसमें सेलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं और सिर्फ वही दिखते हैं, लेकिन अगर लीक्स होगा तो हर स्टेट, हर मतलब हर जगह के प्लेयर्स उभर के आएंगे, तो मैं चाहूँगी कि लीक्स कराई जाए हॉकी की, जिससे कि और प्लेयर उभर के बाहर आए।